अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अंबर्स किचन विद ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीन। आज एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ हाजिर है। आज हम बनाएंगे फ्रूट रशियन सैलेड, जो बहुत ही मजेदार और झटपट बनता है। यकीनन आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्रूट रशियन सैलेड के लिए मैंने केला लिया एक दर्जन, सेब लिए मैंने 1/2 kg, अंगूर लिए मैंने 1 कप यानी 1 पाव। ये देखें, ये मोटा अंगूर है, इसको मैं बीच में से कट कर लूंगी, इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लूंगी। फ्रूट कॉकटेल, मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है मैंने, आप जो है वो सिर्फ पाइन एप्पल भी ले सकते हैं। सिरप इसमें से मैंने रिमूव कर दिया। क्रीम ली मैंने, कोई सी भी क्रीम आप यूज कर सकते हैं बाजार की, मैंने क्रीम ली 1 कप। मायोनेस लिया मैंने 4 से 5 चम्मच। काली मिर्च पाउडर लिया मैंने 1/2 चम्मच। नमक भी लिया मैंने 1/2 चम्मच। देखिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स इसमें आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं कोई से। मैंने ले लिए अखरोट, बादाम और किशमिश, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चीनी ली मैंने 3 से 4 चम्मच। कटिंग का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखें, एप्पल लिया है मैंने, उसको बीच में से हाफ कर लिया, इसको हमने क्यूब्स में काटना है, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको बीच में से, ये देखें, इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे, ये वाला जो इसका पार्ट है, ठीक है, इसको हमने रिमूव करना है। फिर इसको हमने 2 पीसेस में कट किया और इस तरह से हम जो है वो देखें क्यूब्स की शेप में इसको काटते जाएंगे, ठीक है। सेब हमने इस शेप में काटना है। अब मैं आपको बता दूं केला, ये देखें केले को हमने इस तरह से काटना है, ठीक है, इसी तरह से आपने काट लेने हैं सारे केले। और अब आते हैं अंगूर की तरफ। अगर अंगूर का दाना छोटा है तो आप पूरा रखिएगा। अब मेरे पास बड़े अंगूर हैं तो मैंने इनको इस तरह से बीच में से कट कर लिया, ठीक है। अगर इसके बीच में ये सीड आता है तो आप इस सीड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट कॉकटेल था मेरे पास, इस तरह से हम इसको भी 2 पीसेस में इस तरह डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम भी इनके पीसेस को छोटा कर लेंगे। मैंने काटने का तरीका आपको बता दिया है रशियन सैलेड के लिए। अब आते हैं हम मिक्सिंग की तरफ। तो हमने क्रीम लेनी है, ठीक है, एक मिक्सिंग बाउल लिया मैंने और मिक्सिंग बाउल में मैंने क्रीम डाल दी। अब इसमें जाएगा मायोनीस, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने नमक और काली मिर्च रखी थी, और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। तो मैंने क्या करूंगी, एक विस्कर लूंगी, ठीक है, हैंड बीटर की मदद से मैं इनको इस तरह से आराम आराम से बीट करती जाऊंगी, ठीक है। नहीं, मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए, फ्रूट्स मैंने काट लिए सारे इस तरह से, ठीक है। अब जो मेरे पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल था वो मैं इसमें डालूंगी, इस तरह मैंने इसको भी छोटा कर लिया था थोड़ा, ये देखें। अब इसमें जाएगा ये देखें, ये जो नट्स मैंने रखे हुए थे इनमें से कुछ मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने बना के रखा था बैटर, मिक्स करके क्रीम मायोनीस का, ये देखें, चीनी, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, ये सारी डालूंगी। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से मैं इनको मिक्स करूंगी। ये देखें देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिया है और ये हमारा रशियन सैलेड बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बना है। जो मेरे पास नट्स रह गए थे वो इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है, ये हम इस तरह से इस पर फैला देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी शेप आ रही है, देखें। और ये देखिए, ये चेरी लगाई इस पर। मज़ेदार रशियन फ्रूट सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपका रशियन सैलेड भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।